Hello everyone, today we are discussing about the contract of insurance. Contract of insurance क्या होता है? अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए contract of insurance, तो हम इसको किस तरह से हम अपने आंसर राइटिंग को एलिब्रेट कर सकते हैं, आज हम वो इस टॉपिक में सीखेंगे एंड आपको contract of insurance का मतलब क्लियर होगा इसके अंदर. ओके, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को. ओके, अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, अगर हमारे पास इस तरह का टॉपिक आता है तो फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं कि बहुत सारे अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं, ठीक है, पर्सन की लाइफ में. ठीक है, अब अनसर्टेन इवेंट होते हैं पर्सन की लाइफ में, तो उससे क्या होते हैं हमारी पर्सन की हर एक पर्सन की लाइफ में अगर अनसर्टेन इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होंगे, डैमेजेस होंगे. अब डैमेजेस इवेंट्स किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, लाइफ से रिलेटेड होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, अब लाइफ से रिलेटेड हो गए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अनसर्टेन इवेंट्स हो गए. अब वो इवेंट्स तो हो गए, बट उस चीज़ को क्योर कैसे किया जाए, ठीक है, उन चीज़ को, ठीक है, उसको लॉस को कवर करने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी बनाई जाती है. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज बनी हुई हैं जो क्या करती हैं, पर्सन क्या करते हैं, टाइम टू टाइम उनको प्रीमियम्स को पे करते हैं. ठीक है, देन आफ्टर अनसर्टेन इवेंट्स जब हैपन हो जाते हैं, लाइक डेथ हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, हमारे जो हमने प्रीमियम्स पे किए हैं फॉर द फुल लाइफ टाइम, ठीक है, तो वो उसमें क्या करेंगे, हमको अगर पर्सन की डेथ होगी, उसने लाइफ टाइम क्या किया है, प्रीमियम पे किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसके लाइफ इंश्योरेंस का जो भी अमाउंट उसका कैलकुलेट होता है, तो वो उसके अलर्ट्स को प्रोवाइड कर देते हैं. ठीक है, इस तरह से हमें क्या होता है, मतलब ये एक बेनिफिट मिलता है एक, ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होता है, एक ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही बन जाता है. ओके, बिकॉज इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, फर्स्ट वन इज़ अ इंश्योरर एंड द सेकेंड वन इज़ अ इंश्योर्ड पर्सन. ठीक है, अब इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पार्टीज, पार्टीज़ कितनी होंगी, टू होंगी. ओके, टू एंड वन इज़ द इंश्योरर एंड द सेकेंड वन इज़ अ इंश्योर्ड पर्सन. अब जो इंश्योरर होगा वो कौन होगा, हमेशा इंश्योरेंस कंपनी होगी. ठीक है, इंश्योरर कौन होगा, इंश्योरेंस कंपनी होगी एंड द इंश्योर्ड पर्सन जो क्या कर रहा है, इंश्योरेंस को बाय कर रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे. अब सेक्शन 28 में इंश्योरेंस एक्ट के डिफाइन करता है इंश्योरेंस कंपनी को. अब इंश्योरेंस कंपनी कौन होगी, कहते हैं कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी एसोसिएशन हो सकती है, या फिर कोई भी पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप के अंदर बनी हुई कोई भी पार्टनरशिप में कोई भी वर्क कर रहे हैं, वो क्या बन रही है, या तो कंपनी एक्ट के अंदर फाउंड हो रही है, या फिर किसके अंदर फाउंड हो रही है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर फाउंड हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी की तरह उसको हम ट्रीट करेंगे. एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 एक्ट का डिफाइन करता है कि इंश्योरर कौन होगा, इंश्योरर कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कॉरपोरेट बॉडी हो सकती है, जो क्या करते हैं इंश्योरेंस का बिजनेस कैरी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंश्योरर बोलते हैं. अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस से आप क्या समझते हैं, कहते दो पार्टीज के बीच में इंश्योरेंस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें कि एक पार्टी इंश्योरर होगी एंड अनदर वन इज़ अ इंश्योर्ड पर्सन. ठीक है, अब क्या होगा इसमें, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पार्टी क्या करेगी, जो इंश्योर्ड पर्सन हो गया वो क्या करेगा, इंश्योरेंस को बाय करता है. ठीक है, वो क्या करेगा, अब फॉर द फुल लाइफ टाइम वो क्या करेगा, प्रीमियम्स को पे करेगा एंड आफ्टर द अनसर्टेन इवेंट, कोई भी हैपनिंग हो जाती है अनसर्टेन इवेंट से रिलेटेड, तो क्या करेगी इंश्योरेंस कंपनी, क्या करेगी उनको अमाउंट जो इंश्योरेंस का बनता है वो उनको देगी. ठीक है, देन आता है इंश्योरर यूजुअली रेफर्स टू द इंश्योरेंस कंपनी, अब हम सब ने देख लिया है. देन आता है पर्पस, हमारे पर्पस क्या होगा इंश्योरेंस का, हमारे पास दो तरह के पर्पस होते हैं. ठीक है, एक तो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है पर्सन को किस चीज़ से, अनसर्टेन इवेंट से, एंड द बेटर मैनेजमेंट हो जाती है फाइनेंस की. ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, पर्पस हो गए इंश्योरेंस के. देन आता है टाइप ऑफ इंश्योरेंस, टाइप क्या होंगे इंश्योरेंस के, हमारे पास दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, वन इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस एंड द सेकंड वन, सेकंड कौन से होते हैं, जनरल इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस के अंदर हमारे पास कवर कर लेते हैं लाइक व्हीकल से रिलेटेड हम इंश्योरेंस करवाते हैं. ठीक है, होम से रिलेटेड इंश्योरेंस करवाते हैं. ठीक है, इस चीज़ से जो डिफरेंट टाइप के हो, लाइफ से, लाइफ को छोड़ के जितने भी तरह के इंश्योरेंस होंगे वो हमारे जनरल इंश्योरेंस के अंदर कवर होंगे. ठीक है, हिस्ट्री हम सभी ने पढ़ चुके हैं, हम हिस्ट्री की वीडियो
इंश्योरेंस के प्लेलिस्ट के अंदर है। अगर आप सभी को हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो चेक करनी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, ठीक है। देन हम देखेंगे प्रिंसिपल्स क्या होंगे या फिर करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के। कहते हैं कुछ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कहते हैं वही सब चीज़ें फॉलो करेंगे जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फुलफिल होती है ना, जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे लिए एसेंशियल्स होती हैं, वही करेक्टरिस्टिक्स क्या करेंगे हम फॉलो करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, ठीक है। इसमें दो पार्टीज़ होगी, अब दो पार्टीज़ तो हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम जो एसेंशियल्स कंडीशन को फुलफिल करती हैं, जो कंडीशन दी हुई हैं वो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दी हुई हैं, ठीक है। देर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंपिटेंट होनी चाहिए पार्टीज़, फ्री कंसेंट होनी चाहिए एंड लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए एंड द लास्टली ये लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर फ्री कंसेंट नहीं होगी तो भी नहीं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस नहीं बनेगा। लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगी तब भी नहीं बनेगा, तो वो क्या कर जाएगा, लैप्स कर जाएगा। तो ये कंडीशंस क्या होनी चाहिए, मस्ट भी फुलफिल होनी चाहिए, ओके। अब आते हैं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट वैसे सिंपली हम क्या करते हैं, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिफाइन किया गया 124 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास फर्स्टली इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थ्री पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। थ्री पार्टीज इन्वॉल्व होंगी जिसमें कि क्या होता है, एक होता है इंडेमनिटी होल्डर एंड द सेकंड वन इज़ अ इंडेमनीफायर एंड द थर्डली श्योरिटी। जो श्योरिटी है वो क्या करता है, इंडेमनीफायर को बोलता है कि इफ़ कोई भी लॉस क्या करता है, कोई भी लॉस हो जाता है किसकी वजह से, इंडेमनिटी होल्डर की वजह से, तो वो क्या करेगा, उसको श्योरिटी प्रोवाइड करता है कि वो उसके लॉस को क्योर करेगा, मतलब वो उसके लॉस को कवर करेगा, ओके। इसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, ओके। देन आता है एलिट्री कॉन्ट्रैक्ट। एलिट्री कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कहते हैं एलिट्री कॉन्ट्रैक्ट एक टाइप होता है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, जो कि क्या होता है, ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का तो टाइप है, बट ये कैसे अक्कर होगा, कोई भी अगर अनसर्टेन इवेंट्स हैपन हो गया, ठीक है, जो कि हमारी दोनों पार्टीज़ के कंट्रोल से बाहर हो गए, ठीक है, लाइक नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, डेथ हो गई किसी की, तो हम इस चीज़ को क्या देखते हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट को एलिट्री कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से नाम दिया हुआ है एलिट्री कॉन्ट्रैक्ट, हैपनिंग हो गई, कोई भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से डेथ वगैरह हो गई, कुछ भी हो गया, अनसर्टेन इवेंट जो कि दोनों पार्टीज के कंट्रोल से बाहर है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलिट्री कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइक ए एंड बी है, ए प्रॉमिस करता है बी को दैट इफ तेरे घर को आग लग जाती है तो मैं क्या करूँगा, तेरे लॉस को कवर करूँगा, तो ये क्या है, अनसर्टेन इवेंट पर हैपन कर रहा है, ठीक है। अगर उसके घर में आग लगेगी तब क्या करेगा, ए उसके लॉस को फुलफिल करेगा, ठीक है, उसके लॉस को कवर करेगा, उसको अमाउंट देगा, उससे पहले नहीं दे सकता, तो इसको क्या बोलते हैं, हम एलिट्री कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।